पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे और जीत पक्की बता रहे हैं। शहरी सीमा से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सिया से राजेंद्र मुन्नालाल चौहान ने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थकों और ग्रामीण जनों का कहना है कि राजेंद्र चौहान एक योग्य, शिक्षित, ईमानदार, निष्ठावान उम्मीदवार के रूप में यहां उभरे हुए हैं। राजेंद्र चौहान युवा लॉबी के साथ साथ ग्रामीणों की भी पसंद बनते जा रहे हैं। दावेदार कह रहे हैं कि श्री चौहान का कहना है कि मेरी प्राथमिकता है गांव में नल जल योजना लागू करवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, शमशान व कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराकर सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण करवाना, इसके साथ ही गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाना, वहीं गांव में नल, सड़क, गंदगी सहित कई मुद्दों पर मुझे काम करना है। राजेंद्र चौहान गांव में कई समय से सेवा कार्य में भी सक्रिय हैं, जिसको लेकर यहां गांव में सरपंच पद के लिए ग्रामीणों की पसंद बन रहे हैं। मैं जानू इस गांव सिया पंचायत में तीन गाँव आते हैं, सिया पूरा और दुर्गापुरा। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार के लिए खड़ा हुआ हूँ और गाँव के काफ़ी मुद्दे हैं जिनके लिए मैं उन मुद्दों को जनता के लिए सामने लाना चाहता हूँ और जनता की मदद करना चाहता हूँ। इस मुद्दे में सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि गांव में पर्याप्त पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई मोहल्ले में बोरिंग नहीं है, कई मोहल्लों में नल की सुविधा नहीं है पानी के साथ, और उसके बाद में फिर स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे गाँव में। उसके बाद में जो रोड बने हैं उसकी नालियाँ का गहरीकरण नहीं है, जिससे कि बारिश का पानी लोगों के घर में भराता है। भराने के बाद में काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है, और कुछ हमारे गांव में काफ़ी लोग जो गरीब लोग हैं जिनकी गरीबी रेखा के पास नहीं बने, वो हमको पास मुहैया करवाना है। और हमारे गांव के अंतर्गत काफ़ी लोगों के कच्चे मकान हैं जो उनको अभी तक पर्याप्त तरीके से आवास योजना मिली नहीं है, वो आवास योजना को लाभ दिलाना है और ग्रामीण लोगों की मदद करना है। इस मुद्दों को लेकर मैं खड़ा हुआ हूँ। और हमारे गाँव में जैसे कब्रिस्तान है, उसके बाद में अपने शमशान है, इनमें कोई रास्ते नहीं है ठीक से, जो बारिश में बहुत सारी समस्या आती है जाने आने में, और सेठ नहीं है जिसके कारण लोगों को बहुत समस्या आती है। और कुल कितनी आबादी है आपके गांव में? हमारे कुल गांव की आबादी 4800 के लगभग है। इसके अलावा वोटर आबादी, वोटर आबादी हमारे यहाँ 4800 के लगभग है, और गांव की जनसंख्या की अभी तक 9800 के लगभग है। और कितने गांव जुड़े हैं इस गांव से? इस गांव से तीन गांव जुड़े हुए हैं सिया पंचायत से, ग्राम सिया, ग्राम सिया के बाद में सियापुरा और पूरा, तीन गांव जुड़े हुए हैं। पहले जो सरपंच थे, मतलब किस प्रकार संतुष्ट हैं आप उनके काम से? विकास कार्य हुए हैं या अभी बहुत कमी रह गई है? नहीं, पहले जो सरपंच साहब थे उनके काम से भी संतुष्ट हैं, कुछ उनने विकास कार्य किए हैं और उसको ऊपर लेके कुछ और कार्य जो करवाना है वो काफ़ी कार्य महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे गाँव में एक शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए चौराहे पर, वो नहीं है, अभी तक बना नहीं है। हमारे गाँव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो लोगों को रात के टाइम में समस्या आती है। उसके बाद हमारे गांव पे किसी मेन चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है, अगर रात को आपराधिक मामले कोई होते हैं और लोग अगर भाग के जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं, जिससे कि कानून को काफ़ी मदद मिलती है उनको पकड़ने में। इन चीज़ों की बहुत सारी समस्याएँ हैं, इन चीज़ों को अपने को दूर करना है। क्या नाम है आपका? पूरा नाम मेरा राजेंद्र मुन्नालाल चौहान है। क्या अपील करना चाहते हैं ग्रामवासियों से? ग्रामवासियों से अपील यही करना चाहता हूँ कि मुझे उनका बहुमत मिले और उनका वोट मिले, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, गांव का विकास कर सकूं। चुनाव चिन्ह मेरा ताला चाबी है 5 नंबर पर, जिसको मेरे गांव के आशीर्वाद के रूप में मुझे वोट दें और मैं उससे कि गांव की सेवा कर सकूं। युवा चुनाव में खड़े हुए हैं राजेंद्र चौहान जी, किस नज़र से देखते हैं आप उनको, क्या कर रहे हैं? राजेंद्र चौहान के लिए अच्छी नज़र से देखता है, या नए युग का छोरा है, ये काम करेगा, काम करके दिखाएगा जो समस्या गांव की है जो सब पूर्ण करेगा, और जो बच्चा बच्ची जो स्कूल का भर गाड़ी घोड़ा के सब के लिए हम सब समर्थन है उसके साथ में, और आगे भी रहेंगे ना, अभी भी रहे। अच्छा, ये अभी समाज सेवा से जुड़े थे, किस बारे समाज सेवा से आपको? सब खुल सबके सुविधा मिलती थी, समाज सेवा से भी सबको मिलता था और अभी भी दे रहा है और पहले भी देता था वो, इसीलिए। आपको क्या लगता है इनके जो मुद्दे हैं उसको खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, इनके मुद्दे पे जो भी है, जो काम है, जो पूरे मुद्दे पे खड़े उतरेगा और करके दिखाएगा जरा। आपका नाम? मैं रामचंद्र मालवी सिया। आपके यहाँ से एक अयन चौहान जी प्रत्याशी हैं सरपंच पद के लिए, तो अभी खड़े हुए थे, किस प्रकार की कार्यप्रणाली मानते हैं और क्या लगता है आपको विकास कार्य जो रहेंगे आगे किस प्रकार का कार्य रहेगा? एक तो राजा युवा उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा, शिक्षित है और गाँव में वैसे ही पहले से सेवा करता आ रहा लोगों की, तो हमें तो बहुत उम्मीद है कि वो आगे भी गांव के लिए अच्छा काम करेगा, कुछ पद मिल जाएगा तो ज़्यादा वो काम कर पाएगा।
अच्छा गांव में भी किस प्रकार की कमियां मानते हैं कि ये गांव होना चाहिए? हाँ, हमारे गांव में एक तो नाली की प्रॉब्लम है, एक स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, कुछ सीसीटीवी कैमरे, कुछ कुटीर की प्रॉब्लम भी है, तो हम उम्मीद है कि राजा इसको पूरा करेगा। ये कितने युवा की लॉबी समझते हैं इनके साथ आप? कम से कम 200-300 हमारे युवा जो है सब साथ है उसके। आपका नाम? मेरा नाम आज़ाद पठान।